अगला साहब आपको डाउट कौन सा वाला, अगला 13, 1 से 10 में डाउट। नौ, किताब लाइए, किताब लाइए, किताब। 5, 5 ये कौशिक कितना का मान है? 2। कौशिक 30 का मान है, तो कौशिक खत्म, कौशिक से कौशिक खत्म। ये कॉस कितना का मान है साहब? खत्म। तो माइनस साहब बाहर आएगा, ये साइन कितना का मान है साहब? बाय बाय, साइन से साइन खत्म। साहब ये मान है सेक पाई बाई 6 का, नो साहब ये आदमी है स्कॉट का, तो पाई माइनस। तो पाई माइनस कॉस पाई बाई, क्या बात पकड़ रहे हैं साहब? तो साहब क्या होगा? पाई। एक और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? कल बनाया था सवाल, ये कल बनाया था सवाल सेम। छोटू आप कॉपी नहीं पढ़ते जो पूछा है, पहले हमेशा जाके कॉपी का रिविजन करो, हमेशा उसके बाद सवाल ट्राई करो। सेम सवाल बनवाए थे, सेम सवाल, मतलब ऐसा आप सोचो इससे आपका क्या इमेज ना गायब होगा कि विद्यार्थी कोई सवाल बिना बनाए पूछ लेता है। ये इगार आते हैं, इगार आप देखो ये कितना का मान है? 10 45 पाई माइनस। पक्का इस सीधा आदमी है स्कॉट का, और यहां पाई बाई 4 पाई माइनस, सॉल्व करेंगे पाई बाई 3 आएगा, सॉल्व करेंगे पाई बाई 6 आएगा। सबका ले लीजिए एलसीएम, 4 से 3 बार में। चार पाई, 12 3 15 में से घट जाएगा 7, 8 पाई बाई 12, हाँ 9। जिंदगी पहला बार सही काम किया आप लोग। ठीक, आप और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 13,
जो कह रहा है आंसर यार सीधा मतलब है कि साहब वो गुना भाग गलती बहुत करता है। इसमें कुछ है ही सब सवाल में। कॉस कितना का मान है ये? और ये पाई बाई कैसे आंसर नहीं आया? किसे बाबू जी आंसर लाके दे गई? अब नहीं बनाएंगे। क्या आंसर दिया नहीं इतना? कौन का आंसर नहीं आया है? आप गलत करोगे तो आंसर नहीं आया है। इसमें गलत आपको होना चाहिए था। इसमें गलत करे साहब तो मतलब आपको मैथ याद करना होता होगा। क्या लगता है आपको? नहीं ना। और देखिए ये, हाँ एक बात और, आप गुना भाग गलती होता है एक ही मतलब है कि आप गुना भाग बहुत किए नहीं है खुद से। सही होता है इसका मतलब गुना भाग पहले किया है बहुत हुआ आपसे ज़्यादा तब पिटाए हम। 13 पे आते हैं। क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का मान वाई है। इसको याद है साइन इनवर्स एक्स का रेंज। मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान छोटा वाला ये है बड़ा वाला? साइन इनवर्स एक्स का सबसे बड़ा मान सबसे छोटा? पक्का? अब सुनना ध्यान से भाई साहब, तुम ऐसे कर दे। साइन इनवर्स एक्स का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, सही बात? इसका मान सबसे छोटा ये वाला कर दे। इसका मान इससे इसके 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 बीच में है पक्का। बराबर क्यों? यहां बड़ी कोष्टक है, केवल छोटी कोष्टक होती तो बराबर नहीं देते। क्या बात पकड़ में आया? और लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि सर देखो ना सर एक बात, हम लोग क्या इसका मान कहीं दिया है वाई? कौन सा ऑप्शन जो हो लिख दीजिए। समझ में आपको आया कि नहीं बताइए। 14 एक डाउट है। कोई ना कोई आवाज दिया था बनाई से दे रहे हैं कि बहुत लोगों का मान याद नहीं है ठीक, इसीलिए हम आ रहे हैं साहब। अब क्या लगा है? चलो सर सब फंसने वाला है सवाल सभी सब, बस मान याद नहीं होगा वो। पाई बाई थ्री, ये टेन पाई बाई थ्री का मान है और यहां पाई माइनस पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस माइनस माइनस इससे 160 का मान है। गुना भाग कर लेंगे आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। इसका एक रूल था कॉस्कॉट वाला, तो कॉस्कॉट जब भी होता है वो माइनस हटाएगा तो पाई लेकर। कॉस्कॉट का पूरा खानदान है तीनों। अब इसमें किसी को दिक्कत डाउट? चलो साहब 2.1 समाप्त पक्का। किताब किसका? आपका लीजिए। ब्लिंक कर रहा है आज, समझ नहीं रहा है इसमें ब्लिंक क्या होता है। आप लोग को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग का आंख रोशनी कमजोर है। वो कर रहा है अप डाउन बीच में, में क्या उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग, उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग। अब आगे आते हैं, छोड़ो उसको कल देखेंगे। सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज किसके प्रॉपर्टीज है साहब? इनवर्स के।
किसके साहब? इन्वर्स के प्रॉपर्टीज होंगे। सबसे पहला देखो साहब, अगर ये दोनों सेम मिलेगा, एक इन्वर्स में और एक सिंपल, क्या होगा? फट जाएगा। और यहाँ जो है ना वही बचेगा x, यहाँ भी दोनों हट जाएगा, यहाँ जो है ना वही बचेगा x। इसमें बाकी चार आदमी और होगा, पता है ना कौन कौन? ठीक है, छोड़ दे बाकी को, आप खुद लिख लीजिएगा। साहब दोनों में अंतर बताओ क्या है? उसमें इन्वर्स बाहर था, इसमें अंदर है। आप पकड़ में, दोनों सेम सेम है तो हट जाएगा। यहाँ एक से तो एक से आएगा, यहाँ भी एक से, तो क्या बात पकड़ में आया? इसमें किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ? इसमें भी बाकी भी चार आदमी और होगा, बात है ना? प्रॉपर्टीज नंबर तीन, स्कॉट क्या तो होगा ही आपको? एस मतलब साइन इनवर्स, टी से टैन, सीओ हा जो आदमी सोचता है जो बता दिया है ना, क्या तेजी में खत्मा दे, निकल हो गया अच्छा से। तो बस आज ला रहे हैं प्रॉपर्टीज में हारा पूरा करने के लिए, क्योंकि तो कल ही आ चुका था। तो स्कॉट साहब बहुत सीधा आदमी, एकदम आप लोग की तरह, मतलब ये कभी आप कल बताया एग्जाम्पल से भी कि अगर आपके घर में किसी का बॉल चला गया, अगर आप देते हैं वापसी, खेलो खेलो, मतलब आप स्कॉट है। आप लोग कौन आदमी है? पक्का? ओहो, आप लोग एकदम अलग आदमी है भाई साहब। स्कॉट में क्या होता है सीधे कि बॉल आया, कुछ भी आ गया, उसका ले ले जाओ खेलो, उसका देखना दिलदार आदमी, खुश मिजाज आदमी, ईमानदार। लेकिन आप तो जस्ता नहीं ईमानदार। ठीक है साहब, ये सीधे माइनस को बाहर कर देगा। अरे बोलो हाँ ना भाई, पर काय बोले हाँ ना, हमर मर्जी। चलो अब साहब, कुछ लोग ऐसा होता है बॉल जाएगा ना, जाएगा वो देखेगा कहाँ जा रहा है, बॉल को निकालेगा इसे, देखा आपके घर में बॉल गया है ना ना। हाँ अब पूछेगा आपसे कितना रुपया का था, तो बता दीजिएगा 50 रुपया का। तो अगर 20 रुपया दोगे तो खोज देंगे हम, क्योंकि हाँ देंगे तो का पैसा देंगे ना, पाई ढुआ पाई देंगे, तो जा रहा जान बुझ के इज्जत कर रहा है। हाँ कह लीजिए मिल गया, पहले पाई लिया, फिर आपका जो माइनस गया है बॉल गया उसको वापसी कर रहा है, तो पहले पाई लेगा ढुआ। हाँ बोलो भाई, साहब ऐसा काम जो भी कर रहे हैं भोकने भाकने वाला, उनसे हम माफी चाहते हैं कि आपको हम देख लिए धोखा से, हमको देखा नहीं चाहिए आपको, पर माफ किया आपको, जाइए कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया आपको ये वाला बात? कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी नंबर चार बहुत बहुत VVI है, एक नंबर का पक्का आता है ऐसा, एक नंबर का आएगा पक्का आएगा।
साहब यहाँ देखो देखो, पहले हंस लो दोनों, पहले हंस लो, हंस रहा दोनों दांत निकाल गई से, चूड़ा स्टाइल में हंसाई ठीक नहीं लगता है भाई, बहुत ये काम का है। और साहब पहले इसका मान होता है पाई बाई टू, इसका भी होता है पाई बाई, इसका होता है पाई बट्टा दो, ठीक है, याद हुआ कि नहीं बताइए। लेकिन अब सर यूज कैसे करेंगे, देखो साहब ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों माने दोनों सेम होना चाहिए, और यहां साइन का सेटिंग है कॉस के साथ, टैन का सेटिंग है कॉट के साथ, आपका सेटिंग अरे मैथ के साथ, तो हमेशा सोचता उल्टा पुल्टा, पूछो कहिए आपका सेटिंग ना ना, हम कहता है पूछे किस बच्चा से तुम कौन हो, कहेगा हम अभी आईएस आईएस, नंदन इसका मतलब आप देखो जितना सिंगल लोग है ना सब समझ रहे अपने आपको कि आई एम आईएस, आई एम सिंगल, भाई ये अब बहुत पुराना हो गया है ना ओल्ड, पता होगा आप लोगों को, अब आप ओल्ड यूज कीजिए कोई कह देगा भैया ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। आप देखो साहब एक बात, देखो साहब नया वाला ये भी है, अगर आप किसी को भी किसी को जैसे मान लेते हैं, हद तो तब होता है जो देखते हैं इंटर क्लास के बच्चा जाके बीए क्लास की लड़की को प्रपोज करके आता है, अरे वो हद तब लगता है कि साहब देखो तुम उम्र देखो तुम अपना। अच्छा अगर सोचो मान लो कोई बीए क्लास का लड़का अगर प्रपोज करता है इंटर की लड़की को, जानते क्या होगा वहाँ, क्या शादी होगा वहाँ पे, लड़की क्या बोलेगी, अंकल जी आप हो गए हैं बहुत सस्ते, आपको नमस्ते, इसमें सिटी वाला कौन है भाई, सिटी वाला है कौन ये आप यहाँ देखो भाई साहब दोनों सेम सेम है, और यहाँ भी दोनों, और सेटिंग देखे किसका किसके साथ है साहब, साइन का सेटिंग कोट का छोटू सेक का पक्का, आपको तो सब सुनना बहुत पसंद है ना सेटिंग वाला, लगता याद भी रह जाएगा आपको, क्योंकि फिर मामला ये बिगड़ा सर, ये प्रूव होता कैसे है, एक बार पूछा था 2019 में ये दो नंबर में प्रूव इसका पूछा था, बाकी पूछता है अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का, प्रूव पूछेगा दो नंबर का, हम एक सिखाएंगे ढंग से बाकी दो आपसे करवाएंगे, ठीक। आप बताओ सेटिंग किसके साथ है इसका, है बराबर पाई बाई सिक्स, आपसे पूछे हैं आप क्यों बोले, जो बोला है खड़ा हो जाइए, बड़ा कौन नहीं बोला है, ठीक बैठ जाइए आप साहब, इसको हम प्रूफ पे चलते हैं धीरे धीरे, साहब पता है आपको ये दोनों दोनों के दोनों एंगल है, पता है आपको साहब ये दोनों के दोनों क्या है, इसको हम मान ले किसी एक को थीटा, हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिए हम, ठीक। अब साहब देखो बारा एक्स हिम्मत है तो मेरा मान निकाल दो, हिम्मत वाली कौन बात है, जहां इसको मारेंगे एक डंडा दौड़ का जाएगा इधर, लेकिन एक बात दिक्कत है इसमें साइन कॉस दोनों था, और अभी जो हम माने हैं ना केवल साइन को, और इसमें कहीं कॉस अभी तक आया, लेकिन ये बोल रहा है कि सर थोड़ा सा अगर हमसे बात कीजिएगा ढंग से ना हम कॉस आपको दे देंगे,
हाँ बहुत सही, एकदम सही। हम बोले कैसे बात करे, तो कह रहा है कि मैट्रिक वाला याद है फार्मूला। बोले हाँ। तो कह रहा है कि लोग कहता है हमको कि तू कॉस 90 माइनस थीटा है। हाँ लोग सही कहता है। और अभी कह रहा है कि हमको साहब ये चोरवा पसंद नहीं है। कह रहा है कि देखो साहब हम रहेंगे साथ में, लेकिन रिस्पेक्ट होता ना, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको जीरो करके नहीं। ये कह रहा है कि साहब हम जा रहे हैं उधर उसके तरफ। और ये कह रहा है कि आवा ना, हाँ कि नाश्ता तैयार है। आप गया साहब, हाँ। ओहो सॉरी सॉरी, गुस्ताखी के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। ठीक क्षमा है, ठीक साहब। ठीटा कर रहा है कि देखो साहब माइनस कर्जा किसी को पसंद है? किसी को भी कर्जा लेना पसंद है, लेकिन देना पसंद? और देंगे तो कहेंगे तू कब देगा, कहेगा पहला पहले वाला पैसा हमारा। कर छोड़ भूल जाओ काम है तो अभी बताओ। हम कह रहे छोटू तुम पहले इधर आओ, प्लस में हो जाओगे। और ठीक है सर, आ गए हम, आ गया दौड़ के। लोग कहा प्रूफ हो गया। हम बोले कैसे? थीटा का मान साइन इनवर्स नहीं पकड़ में आया। अरे भैया देख, बहन जी लोग नहीं समझाए, यहाँ देख लीजिए हमने क्या किया। किसी एक को मान लेंगे, फिर इसका मान निकाल लिए, मान इनवर्स माने, फिर इसको इधर भेज दिए। फिर इसका जो सेटिंग जिसे हुआ था ना, उसमें हम चेंज कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। क्या आपसे टेन वाला हो जाएगा? एक वाला पक्का? एक बार आप तेजी में सबको लिख लो। प्रॉपर्टी पांच। देखो भाई, क्या है? टू टेन इनवर्स एक्स। इसका तीन फॉर्मूला होता है, कौन कौन? एक होता है टेन इनवर्स के रूप में, और एक होता है साइन इनवर्स के रूप में, और एक होता है कॉस इनवर्स के रूप में। देखिए गौर से, हम बता रहे याद रखने के लिए, ठीक। इन दोनों गुणा कर दीजिए, तो टू इंटू अपॉन वन माइनस यहाँ जो है उसका होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो टू गुना एक्स टू एक्स नीचा वन प्लस यहाँ जो है उसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस क्योंकि टेन में माइनस, साइन में प्लस, ठीक। और यहाँ होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। याद हुआ कि नहीं बताइए, पक्का? अरे साहब बहुत सिंपल है, इन दोनों को गुना कर देंगे, टू एक्स अपॉन वन माइनस यहाँ वाले का होल स्क्वायर, 2x दोनों का गुना अपॉन 1 प्लस यहाँ वाले का होल स्क्वायर, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का होल स्क्वायर। पकड़ में? हाँ, ये जब प्रूव करेंगे तब बताएंगे, ये फॉर्मूला बता रहे हैं, जब हम प्रूव करेंगे तब बताएंगे ये 1 कैसे आ गया। अभी बता रहा आपको बस याद करने का तरीका। याद हुआ कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत? अब मन में यही बात है कि सर प्रूफ कैसे होगा, यही ना? कौन कर दे प्रूफ? जो कहिए वही करेंगे तीनों में। कर दे टेन वाला, कर दे टेन वाला ही, कॉस वाला कर दे, ठीक है। चलो याद है फॉर्मूला आपको, कॉस टू थीटा का वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस पता नहीं वाला आपको, कोई दिक्कत? ठीक है, प्रूव करना है इसको ना, इसके नीचे वाले को, इसको
सुनना ध्यान से भाई, जो सोच रहा हूँ सर को नहीं आ रहा है इसी सर याद कर रहे हैं। हम सोच ये रहे कि आपको हम समझाए कैसे आसान भाषा में, हम इस फिर में हैं। अरे देखो साहब, अगर नहीं भी हम का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सोच लेंगे यहाँ पर आराम से, कि हमको सोचने का पावर है। नहीं भी अगर हम भूल भी जाए कुछ, हमको अति होता है, एक बार ऐसे ही पढ़ा था ऑनलाइन में, और एक बच्चा बहुत क्या किया, कुछ कमेंट कर रहा था बाहर थे, मैंने कमेंट कर दो ना सर गेस्ट पेपर कब दीजिएगा कब दीजिएगा, ताकि उस पर भाई तुम पढ़ो तो पहले, हम डांट दिए उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर दिया। जब भी गुस्सा हो ना आप, फिर आपका दिमाग ठीक से काम सोच नहीं पाइएगा कोई चीज़ों को, फिर 5% साल में फंसे रह गए हम, भाई रुक अभी पहले दिमाग शांत होने दे फिर हम सोच पाएंगे, कि हम कुछ याद तो है नहीं कि हम लिख देंगे हम, फिर रुक गया जब दिमाग शांत हुआ गुस्सा शांत हुआ, फिर वहाँ पे फिर बनाया सवाल को बन गया। बच्चा कह रहा कि सर हम कमेंट कर रहा कमेंट देखे नहीं, हम बोले साहब हम किसी का हम देख के हम बनाते नहीं है, आप करना क्या है दोनों को मैच करवाना है। मैच कब होगा, तो यहाँ टेन थीटा है यहाँ भी, ना ध्यान से ये बात बहुत काम आएगा। लेट मान लेते हैं एक्स बराबर टेन थीटा, मान लिया कोई दिक्कत, क्या माने एक्स बराबर टेन थीटा, और साहब देख थीटा का मान निकाल ले, टेन इधर आएगा, जब भी मानना थीटा का मान जरूर निकालना, कसम खा लो जब भी मानना थीटा का मान जरूर निकालना, ठीक। चलो अब यहाँ रख दो उठा के, हम बात किसे की है LHS से, नहीं नहीं RHS से, यही ना है। अब क्या रखोगे बताओ, जहाँ एक से वहाँ क्या रखोगे साहब, हो गया पूरा लगता है समझदार लोगों को दिख गया होगा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, दिखा दिखा आपको cos से cos खत्म, थीटा का मान क्या साहब क्या प्रूव हो गया बराबर लचस, क्या आपका ये वाला हो जाएगा आगे छोटू ये वाला अभी तो हुआ है ये वाला, तेजी में इसको लिख लिया जाए। कल आपका होमवर्क क्या जितना पढ़े ना प्रॉपर्टी उसको दोबारा लिख कर आना है, सुनेंगे हाँ दूसरा पेज पे, हम कॉपी में चेक नहीं करेंगे, हम एक पन्ना पे हमको चाहिए बस, और प्रूफ भी प्रूफ कैसे होगा, और पूछेंगे जबरदस्त पीटेंगे पहले मन भर